हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में एनवीडिया के शेयर को लेकर के, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए, एनवीडिया जो कंपनी है, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है, और आज के दिन ये दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। बाय मार्केट कैप एनवीडिया बन चुकी है दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है इस कंपनी ने। और हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आप ये जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है एनवीडिया, इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। और ऐसे तीन ईटीएफ हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह आप ईटीएफ के थ्रू आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एनवीडिया काम क्या करती है। तो देखिए, एनवीडिया का जो काम है ना, वो फ्यूचरिस्टिक काम है, मतलब कि फ्यूचर में इसका काफ़ी ग्रोथ है। और देखिए, इसका काम क्या है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का जो काम है वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, एनवीडिया जो है वो चिप्स को लेकर के, यानी जो कंप्यूटर चिप्स है उसको मैन्युफैक्चर करती है, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनका बहुत बड़ा काम है। और जैसा कि आपको पता ही है, आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उन्हीं का ही स्कोप है, और हर जगह आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और इसका जो फ्यूचर है वो काफ़ी शानदार है, आप बाकी की डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट जो है, जो दुनिया की अभी तक की सबसे बड़ी कंपनी थी, माइक्रोसॉफ्ट को भी मार्केट कैप के लिहाज से पीछे छोड़ दिया है, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, चिप मेकर एनवीडिया बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। आप दुनिया की टॉप 10 कंपनी देख सकते हैं, जो कि मार्केट कैप के लिहाज से सबसे ज़्यादा है जिनका। और अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का सबसे ज़्यादा हुआ करता था, अब एनवीडिया टॉप पे आ चुका है। यहाँ पर 3.34 ट्रिलियन डॉलर का इसका मार्केट कैप हो चुका है, जो कि सबसे बड़ा है। और सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट 3.32 ट्रिलियन डॉलर पे है। तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि इंडिया की जो कुल, आपको पता ही होगा, जो इकोनॉमी है वो अराउंड 4 ट्रिलियन डॉलर की है, और यहाँ पर अकेले एक कंपनी की 3.3 ट्रिलियन डॉलर देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं एनवीडिया कितनी बड़ी कंपनी है। एक तरफ एनवीडिया कंपनी और इंडिया का जो पूरा इकोनॉमी है वो लगभग बराबर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एनवीडिया कितनी बड़ी कंपनी है आप समझ सकते हैं। और एनवीडिया का जो शेयर है आपको दिखाना चाहेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी रिकॉर्ड हुई है। और बीते एक साल में देखेंगे तो इस स्टॉक ने 209% के रिटर्न बना के दिए हैं, यानी निवेशकों का पैसा 3 गुना से ज़्यादा किया है। तो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। बीते 5 साल में देखेंगे तो यहाँ पर आप मल्टी बैगर रिटर्न आता हुआ देखने को मिल रहा है, 3477% के रिटर्न। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा रिटर्न होता है ये। तो जैसा कि आपको पता है कि ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के काम कर रही है, जिसका कि स्कोप आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। और इस वजह से इस स्टॉक में मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और आने वाले समय में भी इसमें अच्छी तेज़ी की उम्मीद जताई जा रही है। और अब बात कर लेते हैं कि ऐसे मार्केट में कौन से 3 ETF हैं जिनके थ्रू आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। देखिए, कौन नहीं चाहेगा कि ऐसे स्टॉक में निवेश करें जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और जिसका कामकाज फ्यूचरिस्टिक है, जो कि फ्यूचर में इन कंपनियों का काफ़ी ग्रोथ है, और ये उन्हीं कंपनियों की दिग्गज कंपनी है उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से ऐसे मार्केट में 3 ETF अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। तो पहला ETF आता है मिराय एसेट का नाइसी फैंक प्लस ETF, जिसका कि प्राइस 94 है। अगर आप इस ETF में निवेश करते हैं तो एक तरह से आप जो ये स्टॉक है एनवीडिया, उसमें आप 11% के ऊपर की होल्डिंग ले लेते हैं। तो देखिए, यह है मफंग ETF का पोर्टफोलियो। यहाँ पर एनवीडिया का जो वेटेज रखा गया है वो सेकंड टॉप है, 11.48, लगभग 11.5% का वेटेज है एनवीडिया में। तो एक तरह से अगर आप मफंग वाले ETF में निवेश करते हैं तो आप 11.5% तक का वेटेज, आपका जो पैसा लगेगा वो 11.5% के आसपास एनवीडिया के शेयर में लग जाएगा। और यहाँ पर और भी जितनी कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं वो भी सारी दिग्गज कंपनियाँ हैं, और सारी कंपनियाँ बहुत ही बड़ी हैं मार्केट कैप के लिहाज से, और ये सारी कंपनियों का आने वाले समय में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। अब बात करते हैं दूसरे ETF के बारे में। तो दूसरा ETF जो है वो मोतीलाल ओसवाल का नैसडैक 100 ETF है, जिसका की प्राइस 163 रुपीज़ देखने को मिल रहा है। और इस ETF में अगर आप निवेश करते हैं तो आपका जो एनवीडिया स्टॉक में वेटेज होगा वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, तकरीबन 7.5% का वेटेज आपको देखने को मिल जाता है एनवीडिया कॉरपोरेशन का। और यहाँ पर भी आपको सारी बड़ी कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं, और यहाँ पर आपको 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको टॉप 10 देखने को मिल रहा है, और देख सकते हैं ये आपका मोतीलाल ओसवाल नैसडैक 100 ETF का पोर्टफोलियो है। बाकी एक और ETF है मार्केट में जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं
आप एनवीडिया शेयर में निवेश कर सकते हैं। तो ये है मिराया सेट का S&P 500 टॉप 50 ETF, जो कि इसमें अगर आप निवेश करते हैं, जिसका कि प्राइस भी हम आपको बताना चाहेंगे अराउंड 43 के आसपास है। और बता देते हैं, इसमें आपको जो एनवीडिया का वेटेज देखने को मिल जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको 10-10.5% का वेटेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ भी ठीक ठाक वेटेज है एनवीडिया का, और यहाँ पर मोस्ट थर्ड पर इस पर रखा गया है, यानी तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा वेटेज है वो आपको एनवीडिया का देखने को मिल जाता है। उससे ऊपर एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ भी आपको 50 कंपनियाँ देखने को मिल जाती हैं इनके पोर्टफोलियो में, पर यहाँ पर आपको टॉप 10 स्टॉक ही दिखाए जा रहे हैं। तो ये तीन ETF हैं मार्केट में, जिनके थ्रू आप एनवीडिया के शेयर में निवेश कर सकते हैं, और एक तरह से आप जो फ्यूचर में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के और चिप मेकिंग कंपनी की दिग्गज कंपनी है, और आने वाले समय में इन कंपनियों का काफ़ी अच्छा स्कोप है, जिसकी वजह से आने वाले समय में भी आपको इस ETF में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये तीन ETF हैं मार्केट में, जो कि हमने आप चाहे तो ये एनवीडिया के शेयर में निवेश कर सकते हैं। तो ये था एक अपडेटेड वीडियो एनवीडिया के शेयर के बारे में, जो कि ये बन चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ करके। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।